अलार्म है 7 o'clock का और मैं उठ रही हूँ 4:25 पे। बट डोंट वरी, ये सब मेरे साथ होता रहता है, कभी जल्दी कभी लेट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो सबसे पहले आई थॉट कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में मैं मोल कॉन्सेप्ट्स रिवाइज़ कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली नोट्स से रिवाइज़ कर रही हूँ। और ये चैप्टर मैं पूरा रिवाइज़ नहीं करने वाली हूँ बिकॉज इसमें थियरी पार्ट भी है और क्वेश्चन पार्ट भी है। एंड यू नो कि सर्वे सर कितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं, तो मैं सारा का सारा क्वेश्चन नोट करती हूँ। एंड कोई कोई मुझे पूछ भी रहे थे कि क्या जो फिज़िक्स में जो क्वेश्चन होते हैं और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन होते हैं वो सारे आप नोट करते हो। सो हाँ, मैं सारे क्वेश्चन, थियरी पार्ट, जितना सब कुछ होता है सब मैं नोट करती हूँ ताकि जब मैं उसको रिवाइज़ करूँ तब मुझे अच्छे से समझ में आए। लाइक जैसे मैंने लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था, समझा हुआ था, तो उस तरीके से मुझे समझ में आए। और ऐसा नोट्स मैंने इसलिए बनाया है ताकि जब भी मैं कोई चैप्टर रिवाइज़ करूँ तो वो अच्छे से रिवाइज़ कर पाऊँ। एंड आई नो कि ऐसे रिवाइज़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, सो उसके लिए मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊँगी। लाइक थोड़ा सा टाइम लेके थोड़े लेक्चर्स मैं कंप्लीट कर ले रही हूँ एंड देन बनाऊँगी। बाकी शॉर्ट नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं, लास्ट ईयर के मेरे पास हैं शॉर्ट नोट्स, बट जो भी नहीं है मुझे लगता है थोड़ा और ज़्यादा उसमें मर्ज करने की ज़रूरत है या फिर उसमें से निकालने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ें मैं सही करूँगी। शॉर्ट नोट्स क्या होता है, एग्जाम के लास्ट टाइम में काम में आता है। लाइक शॉर्ट नोट्स में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फॉर्मूला, मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें लगता है कि हम बार बार उसको हमें पढ़ना चाहिए, बार बार रिवाइज़ करना चाहिए हमें, बार बार वो चीज़ें मतलब एक बार पढ़ने से याद नहीं होती। सो ऐसे शॉर्ट नोट्स से बार बार रिवाइज़ हो जाती हैं चीज़ें, वो भी कम टाइम में। सो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती हैं। बट बहुत सारे लोग मेरे से ये भी पूछते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, तो शॉर्ट नोट्स ये ऐसा नहीं कि आप पूरा नोट्स उसमें ही उतार दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट नोट्स मतलब शॉर्ट नोट्स, आप जो भी चीज़ें हैं एक चैप्टर को जितना तोड़ मरोड़ के जितना हो सके छोटे से छोटा बना के फिर उसको बनाना है। और उसमें ये भी नहीं कि जो चीज़ें आपको आती रही, जो चीज़ें आपको नहीं आती हैं या फिर जो चीज़ें आपको याद करने में, समझने में, लंबे टाइम तक याद रखने में प्रॉब्लम आती है वही चीज़ें उसमें मर्ज करो ताकि बार बार आप रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ें याद हो जाएंगी। सो बेसिकली ये होता है शॉर्ट नोट्स। सो चलो, केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मुझे फ्लिपकार्ट वाले का कॉल आता है कि कृपया आप अपने पार्सल रिसीव कर लीजिए। तो मैं पार्सल तो रिसीव करके आ गई, अब इसको खोलते हैं और देखते हैं कि बुक कैसा है। और बुक देखते ही मुझे लगा कि मतलब अजीब वो वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। लाइक मैंने जो पुराने जो मेरे NCERT है ना, उसका पेज अलग है और इसका पेज अलग है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें ना, मतलब कि ऐसे ना, कैसे बोलते हैं उसको, सब मिल गया है। लाइक अगर जो पहली बार NCERT पढ़ेगा ना, वो अच्छे से समझ नहीं पाएगा और ये नहीं कर पाएगा कि इसमें एग्जैक्टली लिखा क्या है, हम इसको क्या पढ़ें। देखो जैसे कि मैंने दिखाया कि वो सब आधा तो लिखा है आधा तो गायब ही हो गया है और इसकी पेज क्वालिटी ऐसा लग रहा है कि जीरोक्स दे दिया है। सो बेसिकली मैं ये चेक कर रही थी, मैं सोच रही थी मैं इसको वापस करूँ कि रखूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि फालतू के मनी वेस्ट करना बेकार है और मैं कहीं जाके शॉप से अगल बगल कहीं भी मिलेगा तो वहाँ से ले लूँगी। हालांकि यहाँ पे शॉप तो है लेकिन मैंने पूछा था बहुत जगह, बट NCERT की टेक्स्ट बुक नहीं अवेलेबल है, इसलिए मैंने ऑर्डर करा था और मेरी किस्मत ख़राब, ऑर्डर भी ख़राब ही निकला, मतलब बुक ख़राब निकला, ऑर्डर ख़राब नहीं निकला। ऑर्डर तो फिर से वो वापस चला जाएगा, ये अच्छी बात है। सो मैं देखती हूँ कहाँ मिलेगा, पता करके जाके लाऊँगी मैं। और अभी मैं जा रही हूँ बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने और इसके लिए मैं ये बुक यूज़ कर रही हूँ। दिस बुक इज़ फ्रॉम दिशा पब्लिकेशन। आप लोग पूछते रहते हो कि किस बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, सो यू कैन ऑल्सो यूज़ दिस बुक। दिस इज़ ऑब्जेक्टिव NCERT एक्सट्रैक्ट बाय दिशा पब्लिकेशन एज आई टोल्ड यू। सो बेसिकली इस बुक में आपको पूरा का पूरा NCERT मिल जाएगा प्लस नीट PYQs इन वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे। NCERT के हर एक लाइन पर आपको MCQs मिल जाएंगे, PYQs, स्टेटमेंट्स, मैचिंग एंड assertion reason टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एंड यू नो वॉट, इसमें NCERT का पेज लोकेटर भी दिया गया है। मेन टू से कि क्वेश्चन के साथ आपको NCERT का पेज नंबर भी दिया गया है ताकि आपको पता चल सके कि ये लाइन और ये क्वेश्चन NCERT में कहाँ पर दिया गया है। एंड लॉट्स ऑफ टिप्स एंड ट्रिक्स भी दिए गए हैं ताकि आप इजिली सोच समझ के क्वेश्चन कर सके और सब्जेक्ट आपको बिल्कुल भी बोरिंग ना लगे। अलॉन्ग विद दिस आपको सोल्यूशन भी हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर मिल जाएगा।
दिस इज अ यूनिक बुक टू मास्टर द कंप्लीट NCERT। इसमें टोटल आपको 6000 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें PYQs और NCERT एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। एंड यू नो व्हाट, कि कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आप एप्लीकेशन तभी कर सकते हो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तभी आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ऐसे टाइप के क्वेश्चन हाँ नहीं 2022 में आ चुके हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस करना चाहिए, जो आगे हमें हेल्प करेगा। एंड मोर देन 80% क्वेश्चन इन नीट 2022 वर आस्क्ड फ्रॉम दिस बुक। सो बेसिकली सभी वैरायटी के क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएगा 100% सॉल्यूशन के साथ। और अगर आप कोई अच्छा बुक सर्च कर रहे हो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, सो आप इस बुक में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक इट आउट। और अभी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ प्लांट किंगडम चैप्टर का। इस चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद मैं जाऊँगी लंच करने, क्योंकि तब तक आई थिंक 1:45-1:40 समथिंग हो ही चुका होगा। सो उसके बाद मैं जाऊँगी लाइब्रेरी, एंड यू नो कि लाइब्रेरी में हमारा लाइव सेशन चलता है, जिसमें से बहुत सारे लोग ये भी कन्फ्यूज रहते हैं कि वो किस चैनल पर चलता है, बिकॉज सारे लोगों को नहीं पता कि मेरा दो दो भी चैनल है। सो अगर आपको अभी तक नहीं पता है और मेरे साथ लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप मेरे दूसरे वाले चैनल पे जुड़ सकते हो, जो है रोली यदुवंशी लाइव। ठीक है, जाना यार, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, ठीक है, और साथ में पढ़ाई करते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर वहाँ पे मैं तो रहती हूँ 2 to 8, फिर आने में मुझे 8:35-8:45 समथिंग हो ही जाता है। और मैं, क्योंकि मैं थोड़ा आराम आराम से आती हूँ, ऐसा मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को थोड़ा रेस्ट चाहिए, आराम आराम से चलना चाहिए। जाते टाइम मैं फुल एनर्जी में जाती हूँ, लेकिन आते टाइम मैं आराम आराम से आती हूँ कि बस पहुँच जाऊँ हॉस्टल। एंड एज यू कैन सी, अभी हमारा लाइव सेशन ख़त्म हो चुका है, सो हम इसको अपने सामान को समेटते हैं और हॉस्टल के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं शूट नहीं करती, कभी कभार मतलब वीडियो के लिए करती हूँ, ब्लॉग के लिए करती हूँ, नहीं तो लाइव सेशन चलता रहता है तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो चलो निकलते हैं, और थोड़ा बारिश का भी वेदर लग रहा है, तो हमें लगता है थोड़ा जल्दी निकल जाना चाहिए। और लो, मैं हॉस्टल भी आ गई। और ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पहुंचते साथ ही मैंने बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आने के बाद मैंने घर पे बात किया, थोड़ा सा रिलैक्स करा, और भी काम होता है यू नो कि हॉस्टल में रह रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा काम ऐसा होता है जो खुद से करना होता है, तो मैंने वो सब काम किया। ठीक है, उसके बाद डिनर का टाइम हो गया था, मैं पहुंची थी 8:45 समथिंग पे, तो फिर डिनर का टाइम भी हो गया था, तो मैंने डिनर करा। उसके बाद मैंने स्टार्ट करा है बायोलॉजी पढ़ना, और बायोलॉजी में मैं पढ़ रही हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मुझे लगा कि ये चैप्टर तो कम्प्लीट हो चुका है, लेकिन इसको रिविज़न की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम टू टाइम ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे चैप्टर को भी दाना पानी देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो वो भूखे प्यासे रहते हैं, फिर हमें अफेक्ट कर जाते हैं, हमारे दिमाग से निकल जाते हैं। सो ऑब्वियसली उनका भी ध्यान रखना ज़रूरी है, अपना ध्यान रखने के लिए, कि हमारा दिन अच्छा जाए, हमारा एग्ज़ाम अच्छा जाए, हमारी पढ़ाई अच्छी हो। सो चलो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, और अगर नए वाले चैनल पर जाते हो तो वो भी सब्सक्राइब कर देना, यार क्या ही जाता है। ठीक है, बस तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। टिल देन आप लोग अपना ख्याल रखो, और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।